हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं विनोद कुमार शर्मा आपका प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। तो देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको जो क्लास ली थी, देखिएगा, उसमें मैंने आपको 2015 और 2017 में जो रीट में क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बताए थे, वो अपने सॉल्यूशन किए थे। और आज अपने जो बात करेंगे वो क्या है भी कि 2011 और 2012 के जो रेट में जो सॉल्यूशन पेपर हैं वो आज अपने इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे भी। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट बात, यानी आज जो अपने बात करनी है तो क्या बताया इसमें कि रेट 2011 और 2012। और देखिएगा, और साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ में कि पेपर कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊँगा। वो कई बार क्या होता है, न एक आधा ऑप्शन न भी ध्यान में हो तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वो आपकी वहाँ समझ काम आती है। और वहाँ समझ कितनी काम आती है, कैसे आती है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अभी अब जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले भी अपने बात करें कि 2011 के अंदर, कि 2011 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या पूछे। और देखिएगा, आपने 15 वाला किया, 17 वाला किया, और आज आप 11 वाला और अब 12 वाला भी करोगे। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन राष्ट्रपति फिक्स है, लगभग एक दो क्वेश्चन, और दूसरा आसान सा टॉपिक मौलिक कर्तव्य, लगभग चारों कुछ पेपरों में क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन आए हैं। तो ये टॉपिक जो है ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन विशेषता फिर भी इनमें भी ज़्यादा जोर देना हो तो थोड़ा इनको ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य क्या है, यानी इन चारों में आपने गलत बताना है, यानी तीन तो इसमें सही है और एक इसमें क्या है, गलत है। और यहाँ थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम आती है, क्योंकि तीन सही हैं और एक गलत छांटना थोड़ा हार्ड होता है। अगर तीन गलत हो एक सही हो, छांटना थोड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ फिर आपको पूरी बात का ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि जो तीन सही हैं और चौथा गलत है, और चौथा भी थोड़ा बहुत क्या टच में लगता है, सही सा लगता है, लेकिन होता क्या है, वो गलत है, और वहाँ छांटना मुश्किल हो जाता है। किसकी तुलना में कि जहाँ तीन गलत हों और एक सही हो, और यहाँ तो क्या है, अब तीन सही हैं और एक क्या है, गलत है। तो गलत कौन सा देखो सबसे पहले, कि चुनावों से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। आपने बताया था, आपको याद करो, आप जब मैंने आपको राष्ट्रपति करवाया था, उपराष्ट्रपति करवाया था, अनुच्छेद 71 क्या बताया था, 71 में आपको भी यही बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद केवल कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो ये कथन भी सही है। उसके बाद में क्या बोला, नंबर तीन, सभी सांसदों के मत मूल्य समान है। याद करो जब कि जब आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पढ़ी थी तो वहाँ मैंने क्या बोला था कि सांसद और विधायक का मत मूल्य बताया था आपको, और बोला था कि भारत के प्रत्येक सांसद का मत मूल्य क्या होता है, एक समान होता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है। याद करो मैंने कहा था कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कहाँ भाग लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ महाभियोग प्रक्रिया नहीं, चुनाव की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखिएगा, अब एक नंबर, तीन नंबर और चार नंबर तीनों सही हैं, तो बचा क्या, दो नंबर। सभी विधायकों के मत समान मूल्य हैं, यानी सभी विधायकों का मत मूल्य क्या होता है, समान होता है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों, अब मैंने आपको याद करो
कि जब उसमें बताया था कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, वो निकाल के दिखाया था और बोला था जैसे राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना बताया था 129, जैसे भारत में सर्वाधिक विधायक का मत मूल्य कहाँ यूपी 208, सबसे कम कहाँ बताया था सिक्किम 32। अब देखो एग्जाम्पल के लिए तीन तो आपके सामने ही है, तो सबका क्या हो गया अलग अलग हो गया, तो इसलिए ये कथन क्या हुआ जी गलत हुआ। तो देखिए अब आपके सामने हो गया ना कि ये आसान हो जाता है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। अब देखिएगा, अब पंचायती राज की बात करें यानी 73वां जो संविधान संशोधन है वो 1992 में पारित हुआ था। लेकिन एक बात ध्यान, कन्फ्यूज मत होइएगा कि जो पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं, कब से मनाते हैं, वो अपने 24 अप्रैल 1993 से बनाते हैं। ये आप ध्यान रखना, कहीं 93 मत चले जाना भी, क्योंकि पारित तो कब हो गया था 73वां व 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 में, लेकिन इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था वो 1993 में मिला था, वो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1992 में। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करें भी कि राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण कितना प्रतिशत लाभ उठाया। अब यहाँ 2010 की बात कर रहे हैं कि 2010 में स्थानीय निकाय, अब स्थानीय निकाय की अगर बात की जाती है तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% है, ये ध्यान रखना। यानी कि आज की बात करें चाहे उसमें बात कर, देखिएगा उसमें थोड़ा अंतर है कि आज बात करें पंचायती राज में तो 50 ही है, लेकिन नगरीय स्वशासन में आज की तारीख में 33% है। तो यहाँ इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो क्या है, वो 50% है कि 2010 में है, ठीक है भी, ये इसका आंसर हो गया है। अब अगला देखिएगा, बात करें भी कि राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, कि राजस्थान में नगर निगम के उसमें अध्यक्ष को क्या कहते हैं। इसे जी अध्यक्ष कहते हैं, महापौर कहते हैं, सभापति कहते हैं, नगर प्रमुख कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा भी, इसे महापौर या इसे मेयर कहते हैं। यानी हाँ अध्यक्ष की बात करें तो ये नगर पालिका के लिए यूज होता है, अगर सभापति की बात करें तो ये नगर परिषद में शब्द यूज होता है, क्योंकि तीन निकाय हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका के चेयरमैन को अपने क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं हिंदी में। नगर परिषद के चेयरमैन को क्या कहते हैं, उसमें सभापति कहते हैं। और नगर निगम की बात करें तो महापौर या मेयर कहते हैं, ये किसमें हो गया, इसमें आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, और आप सब जानते हैं कि राजस्थान में उसमें क्या है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। हाँ, जिस समय यानी जब प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था तो उस समय राजस्थान में सदस्य संख्या कितनी थी, 160 थी, ध्यान रखना। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, जिस समय राजस्थान में 1952 की बात कर रहा हूँ विधानसभा का गठन हुआ था तो उस समय सीटें कितनी थी अपने, 160 थी। लेकिन इसने कहीं क्या पूछा है, कोई प्रारंभ नहीं पूछा, इसने इतना ही पूछा है कि राजस्थान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, वो 200 है। और थोड़ा और अंदर जाएं तो भी एक कॉलेज व्याख्याता में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन क्या जी कि 200 सीटें राजस्थान में पहली बार कब हुई, तो ध्यान रखिएगा पहली 1977 में पहली बार 200 सीटों पे चुनाव हुए थे। हाँ, और अपने डिटेल में जब अपने क्या करेंगे राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको सारी बातें और बता दूंगा। तो यहाँ इतने ध्यान रखिएगा कि सीटें अपने कितनी हैं, 200 हैं। अब नेक्स्ट बोला क्वेश्चन भी कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। तो देखिएगा, अब ये मौलिक अधिकारों में मिलता है, नीति निदेशक तत्वों में मिलता है,
या प्रस्तावना में मिलता है या इनमें से सभी में मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की अगर बात की जाती है, तो आपको बोला भी था मैंने जब इंदिरा जी के बारे में बोला था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष इन समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। तो ये कहाँ जुड़ा है, ये उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में है, और कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में है भी। अब देखिएगा इसमें भी अब क्या बोला गया कि बालकों के अधिकार बिल 1992 में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का क्या है जी अधिकार है, कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का जो अधिकार है ये नीति निदेशक तत्वों में 42 के अंदर है, और ये प्रावधान 1990 में किया। ध्यान रखना, सुनिएगा कि क्या बोला, बालकों के अधिकार बिल यानी जो अधिकार बिल है 1992 है, ये अधिकार बिल 1992 है, और उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि क्या अधिकारों को जानने का अधिकार है, तो इसका उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 42 में है, यानी नीति निदेशक तत्वों में भी। उसके बाद देखिएगा निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब क्या कहा गया कि निम्न में से जी कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो देखिएगा जिसे समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद किस में आता है, 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस में जी, अनुच्छेद 19 से 22 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें आता है जी, अनुच्छेद 32 में। तो अब आपके सामने अपने आप आंसर निकल गया, तभी मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से आप इसमें कर सकते हैं। अब उसमें बोला कि मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये क्या है, मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक क्या है, कानूनी अधिकार है। ये आप इसे कह सकते हो, न कि मौलिक अधिकार नहीं कह सकते, आप वैधानिक कह सकते हो, कानूनी कह सकते हो कि अपना वोट डालना अपना एक कानूनी अधिकार है, लेकिन ये नहीं है। अगर मैंने, आपने या किसी अन्य ने वोट नहीं डाला तो उसने कोई अपराध कर दिया तो उसको सजा नहीं जाने की, लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा होता है, किसी मौलिक अधिकारों में आप अनावश्यक रूप से हनन करना, हस्तक्षेप करना, वो एक कानूनन अपराध है, लेकिन ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है, एक वैधानिक कह सकते हो। तो इसीलिए ये क्या है, नहीं है, किस में, मौलिक अधिकारों में। मेरे हिसाब से आपको आसानी समझ में आ गया होगा, यानी समानता का अधिकार, जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको सबके बारे में डिटेल से बता दूंगा, 14 में क्या है, 18 में क्या है, इनमें सब में क्या है। तो यानी ये आप ध्यान रखिएगा, मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा भी, अब बोला, अब देखिए मैंने भी कहा था कि मौलिक कर्तव्य लगभग आसान सा है, क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। अब आपके सामने देखिएगा, अब 15 वाले में भी मैंने करवाया, 17 वाले में भी करवाया, और अब आपके सामने फिर देख लीजिएगा क्या पूछा, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित है। तो सीधी सी बात देखिएगा, अब ये जो पहले तो मूल संविधान में तो क्या था, अनुच्छेद 51 ही था, अनुच्छेद क्या था इसमें, 51 ही था, लेकिन आपको मैंने बताया था कि कल भी इसमें बात हुई थी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो इनका उल्लेख संविधान के भाग किस में हुआ, 4 में, यानी तो संविधान में भाग कौन सा जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, ठीक है। अब संविधान में भाग 4 जुड़ा है तो अब अनुच्छेद भी जुड़ेगा, सीधी सी बात है। अब भाग 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद कितने हैं, 36 से 51 है, भाग अगर उसमें 4 की बात की जाती है तो 36 से 51 है, लेकिन यहाँ क्या बोला, भाग 4 के। अब भाग 4 की बात करें तो अनुच्छेद क्या हो गया, 51 के। ये आप ध्यान यानी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद किस में है, 51 के है, और किसके समय जोड़ा गया, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जोड़े गए।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए। देखिएगा अगर पॉलिटिकल की अगर बात की जाती है तो ये इसमें आपके क्वेश्चन नहीं है, रीट की बात कर रहा हूँ। हाँ ये इसमें क्या है, ये हिस्ट्री से अंदर है, हाँ क्योंकि आपके टॉपिक नहीं दे रखा है। क्या जी, कि संवैधानिक विकास, अगर संवैधानिक विकास की अगर बात करते हैं तो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर कि जो भारत शासन अधिनियम 1945-47 तक सारा पढ़ना होता है, लेकिन आपके इसमें रीट में ये नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन से लगता मिलता जुलता है तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब देखिएगा नेक्स्ट भी, भारतीय संविधान लागू किया गया, आप सब जानते हो जो सिंपल सी बात है कि अपना भारतीय संविधान लागू कब हुआ, आप सब जानते हो देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो देखिएगा यहाँ कन्फ्यूज मत होना, हम माना अपना देश क्या है कि जी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है, लेकिन आपने एक बात को ध्यान रखना है, अब उस इस दिन तो कुछ अनुच्छेद और कुछ भाग ही लागू हुए थे, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान लागू किया गया, अब ये नहीं पूछा कि इसमें 1947 में क्या है, नहीं संविधान पूछा, अगर संविधान की बात आती है तो वो आएगा 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या हुआ है, लागू हुआ है। ठीक है भी, यानी इसमें गलती से इसमें क्या है, ये दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं, यानी गलती से क्या बोला गया कि दोनों में ही 26 जनवरी 1950 यानी ये थोड़ी इसमें क्या है प्रिंटिंग में मिस हो गया है, लेकिन दोनों यानी इसमें क्या है तो बाई चांस ही ऐसा है, तो यानी तो ये आपने ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या हुआ जी, लागू हुआ है पूर्णतः। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त की बात तो क्या है, उस दिन तो देश आज़ाद हुआ था, कुछ संविधान के अनुच्छेद और कुछ संविधान के भाग लागू हुए थे, इन 395 में से कुछ अनुच्छेद और 22 भागों में से कुछ भाग, ध्यान रखिएगा ये इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से तो क्या बनता है इसका आंसर 11 भी, यानी भाग 4 के और अनुच्छेद 51A में कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं, लेकिन देखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय संख्या कितनी थी, 10 वे, अगर आज की अगर बात की जाती है तो कितने हैं इसके, 11 हैं, तो इस हिसाब से अपने क्या है अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ये वे हैं, क्यों अब आपके सामने वो है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं। देखिए वर्णित तो उसमें कितने थे, इसमें 10 हैं, लेकिन 11वां बाद में जोड़ा गया है तो संख्या कितनी होगी, 11, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखना, इस ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर फिर आप 10 मानना भी, क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि 11वां कब, इसमें वर्तमान में कितने हैं, तो इसको अपने मूल ही मानेंगे, तो मानेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 10, और इसमें बकायदा उसमें जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर भी क्या माना था, 10 ही माना था भी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, यानी संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, और इस समय संविधान सभा के कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, बल्कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उसमें जो चुने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो तो 11 दिसंबर जो 1946 को दूसरी बैठक हुई थी उसमें इन्हें चुना गया था, किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में, तो इसका आंसर अपने क्या हो गया, 9 दिसंबर 1946। अब देखिएगा
कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना आप लोग कि 44वें संशोधन के पश्चात, अब 44वां संशोधन तो कब हुआ है, 1978 में, किसके समय हुआ, मोरारजी देसाई के समय हुआ, और इससे पहले संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन पूछा उसने क्या है, 44वें संशोधन के पश्चात की बात करें तो कितनी आएंगे, 6 आएंगे। क्यों, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे बाद में क्या है, एक कानूनी अधिकार बना दिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 कै में है। तो इसका आंसर अपने क्या हो गया, 6 है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अब आता है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आप सब जानते हो कि भारत में प्रजातांत्रिक पद्धति है, बिल्कुल सही है, यानी प्रजातंत्र बोल दो, लोकतंत्र बोल दो, जनतंत्र बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। यानी इसका एक पर्यायवाची शब्द है, जैसे आँख है, नयन है, नेत्र है, लोचन है, चक्षु है, तो उसी प्रकार क्या बोला गया, ये इसके क्या है, उसमें शब्द है, यानी भारत में प्रजातांत्रिक पद्धति है। उसके बाद में मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य है, बिल्कुल सही है जी। अगला बोला स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है। अब बचा क्या, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा है, ये अब भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये कहीं नहीं है ऐसा लिखा कि हाँ जी प्रत्येक नागरिक को क्या है, रोजगार की सुरक्षा है, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इन तीन में ये है, ये नहीं है। अब अगला देखिएगा, अभी आप राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। आप सब जानते हो कि राजस्थान से जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा में कितने होते हैं, 25 होते हैं, यानी लोकसभा से 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं। हाँ, अगर ऐसा पूछा जाए, जब अपने पहली बार लोकसभा के आम चुनाव हुए थे तो उस समय राजस्थान में कितने लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, तो उस समय 20 वे प्लस 2 हैं, क्योंकि 2 सदस्य कहाँ से थे, ये अजमेर मेरवाड़ा थे, और अजमेर मेरवाड़ा उस समय क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, और उसका विलय तो 56 में हुआ है, और 56 में होने के बाद संख्या कितनी हुई है, 22 हुई है। लेकिन अब बात इसमें क्या है, 25 है, और 25 पूछे कब हुई, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में पहली बार लोकसभा में 25 सीटों के चुनाव 1977 में हुए थे, ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें या क्वेश्चन की लैंग्वेज की बात करें तो कितना आता है, 25 आंसर इसका। नेक्स्ट देखिएगा आप, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अब देख लीजिएगा, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं क्या बोला गया कि भारत के नागरिकों द्वारा, गलत भी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, उसके बाद में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा, यही है कि संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ये आपने जाना ऑप्शन के हिसाब से ये है। इसमें अगर एक साथ में ऐड ये भी हो सकता है कि इसमें कि केंद्र शासित प्रदेशों, वो इसी के अंदर साथ में उन्होंने विधानसभा ले लिया है, तो हिसाब से क्या आ गया कि राष्ट्रपति का, कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी। अब देखिएगा नेक्स्ट भी, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, और ये भी मैंने आपको बताया था, याद करो जब राष्ट्रपति पढ़ा था अपनी पहली क्लास ही थी, क्या बोला गया था, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था अनुच्छेद 53 कि भारत में क्या बोला जी कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां सारी किसके पास में है, राष्ट्रपति, और प्लस क्या बोला था, वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सेनापति होता है। तो क्या बोला कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति, यानी तीनों सेनाओं के सेनापति की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए बोला ये सर्वोच्च सेनापति।
यानी तीनों सेनाओं का सेनापति कौन? राष्ट्रपति। ये आप ध्यान रखिएगा इसमें है। नेक्स्ट अगर बात की जाती है, देखिएगा अभी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर बात की जाती है तो किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अनुच्छेद 124(2), यानी भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर होती है। और इसमें आंसर क्या आ जाएगा अपना? राष्ट्रपति भी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अब ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा जब आपने राज्यसभा पढ़ा था तो राज्यसभा का जो सभापति है वो क्या होता है? पदेन होता है। पदेन यानी जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा जी? सभापति होगा। यानी जो देश का उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सभापति, ठीक है। और जब मैंने आपको उपराष्ट्रपति बताया था वहां भी बोला था क्या जी, अनुच्छेद 64 क्या जी, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये न कि ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है संविधान सभा के द्वारा, संसद द्वारा नहीं, लोकसभा द्वारा नहीं, राज्यसभा के द्वारा नहीं, बल्कि क्या आएगा कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है। ये लीजिएगा भी, ये अपने जो इसमें रीट 2011 और 2012 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा ये अपने क्या है, रीट के क्वेश्चन है। इससे आपको अपना आधार भी पता लग जाएगा, हाँ जी आपने कितना की याद किया है, कितना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके सारे सामने हैं। आज की क्लास में इतना ही होगा, नेक्स्ट बात करेंगे। धन्यवाद।